आज का जमारा टॉपिक वो है मीडियन कॉन्टेक्ट मी बाईजिंग एनी ऑफ दिस मीडियशन एस पी एस एस में कैसे रन करते हैं इससे पहले की हम इस पे जाए हम थोड़ा सा ये समझेंगे की मीडिएशन होती क्या है यानी मीडिएटर है ये क्या होता है इसका क्या कॉन्सेप्ट है तो जैसे कि नाम से जाहिर है कि जो मीडिएटर होता है ये दो पार्टीज के दरमियान जब हम कोई देखें जब कोई झगड़ा होता है कोई आ, कोई लड़ाई होती है किसी दो पार्टीज के दरमियान हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान या किसी दो ग्रुप्स के दरमियान तो उसमें एक सालसी किरदार एक कोई अदा, अदा करता है वो पंचायत होती है वो कोई जिरगा होता है वो कोई घर का बड़ा होता है तो वो दोनों को आ, बिठा के उनसे बातचीत करता है और उनके मसले को हल करता है तो हम कहते हैं यार ये बंदा जो है ये मीडिएटर है ये इसने मीडिएशन किया सालसी किरदार बिल्कुल इसी तरह इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट ये समझ लें दो पार्टीज हैं यानी जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है वो दो पार्टीज हैं और इनके दरमियान एक आता है जिसे वेरिएबल जिसे हम कहते हैं मीडिएटर तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या करता है वो डिपेंडेंट को इफेक्ट करता है और डिपेंडेंट जो होता है वो इनडिपेंडेंट पे इसार कर रहा होता है लेकिन इन दोनों वेरिएबल के दरमियान भी बाजात एक वेरिएबल आ जाता है जिसे हम कहते हैं इंटर मीडिएट वेरिएबल या मीडिएटर बाज किताबों में इंटरवीनिंग वेरिएबल भी है क्योंकि वो इंटरवेंशन कर रहा होता है तो क्या कहेंगे अ वेरिएबल दैट इज इंटरमीडिएट इन द दॉजल प्रोसेस रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट यानी इंडिपेंडेंट जो कॉज कर रहा था इफेक्ट डिपेंडेंट के अंदर उस कॉजल रिलेशनशिप के अंदर एक दरम्यान में वेरिएबल आया इंटरमीडिएट वेरिएबल आया उस प्रोसेस के अंदर जिसे हम मीडिएटर कहते हैं सो इट्स अ चेन वेयर बाय एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कॉज इज मीडिएटर विच इन टर्न कॉज इज आउटकम वेरिएबल तो गोया के इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीडिएटर को इफेक्ट करता है और मीडिएटर फिर जाके डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट करता है सो इट अकर्स इन अ अजल पाथ यानी उस रास्ते में जो 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 ऐसा रास्ता जो एक वेरिएबल दूसरे को इफेक्ट कर रहा था यानी कॉज जो डिपेंडेंट वेरिएबल के अंदर जो वजह बन रही थी चेंज की उस प्रोसेस के अंदर एक दरम्यान में रास्ते में एक और वेरिएबल आ गया जिसको हम मीडिएटिंग वेरिएबल uh, कहते हैं ठीक है इसको जरा ग्राफ से समझते हैं ये देखें ये हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है सीधा सीधा ये इसको इफेक्ट कर रहा था लेकिन क्या हुआ दरमियान में एक वेरिएबल आ गया अब ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीडिएटर को इफेक्ट कर रहा है और मीडिएटर फिर जाकर डिपेंडेंट वेरिएबल को इफेक्ट कर रहा है तो गोया के क्या हुआ कि इस कॉजल पाथवे के अंदर ये दरमियान में वेरिएबल आ गया इसको हम कहते हैं मीडिएटर वेरिएबल मिसाल ले लेते हैं इसकी ताकि कॉन्सेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाए अब फर्स्ट करें हम कहते हैं जो जब ट्रेनिंग दी जाती है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो प्रोडक्टिविटी क्या होगी डिपेंड कर रही है डिपेंडेंट वेरिएबल है किसके ऊपर ट्रेनिंग के ऊपर आमतौर पे हम आम जो इंडिपेंडेंट uh, वेरिएबल है उसको एक्स से डिनोट करते हैं और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो वाई से डिनोट होता है ठीक है तो ये मैंने एक्स्ट्रा आई और डी लिखा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए तो अब हमने क्या कहा जी ट्रेनिंग जब होगी तो क्या होगा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी कोई प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन ट्रेनिंग लेकिन अगर हम इसको थोड़ा सा गौर से देखें तो एक और भी इफेक्ट हो सकता है इस कॉजल पाथवे के अंदर यानी इस इस रास्ते में जो वजह बन रही है प्रोडक्टिविटी के इंक्रीज में जो हमारी ट्रेनिंग है इस रास्ते में एक और चीज आ सकती है वो है लर्निंग कैसे अब ट्रेनिंग जब होगी तो क्या होता है जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनकी लर्निंग एनहेंस होगी जब हम उनको ट्रेन कर रहे हैं तो उनको ज़्यादा समझ आ रही है मशीन के मुतालिक ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी सॉफ्टवेयर के मुतालिक ट्रेनिंग है किसी और चीज़ के मुतालिक ट्रेनिंग है तो वो क्या और ये सेल्स के मुतालिक ट्रेनिंग है तो उनकी लर्निंग बढ़ रही है अब वो जो लर्निंग ज़्यादा हो जाती है यानी काम सीख जाते हैं तो क्या होता है फिर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है तो हम क्या कहते हैं ट्रेनिंग इफेक्ट्स लर्निंग एंड लर्निंग इफेक्ट्स प्रोडक्टिविटी तो लर्निंग क्या हो जाएगा ये मीडिएटर हो जाएगा कि प्रोडक्टिविटी को डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता बल्कि इफेक्ट करने से पहले एक और अमल आता है एक और काम होता है वो क्या होता है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी लर्निंग बढ़ती है और उस लर्निंग की वजह से फिर चुन काम सीख लिया तो अब सीख लिया तो ज्यादा अच्छे से कर रहे हैं तो वो उसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी तो एक मीडिएटर हमने इस मॉडल में डाला इसी तरह आप एक मीडिएटर से ज्यादा भी डाल सकते हैं आपको स्क्रीन पर देखें चार मीडिएटर नजर आ आए तो आपने ऐसे भी रिसर्च पेपर में मॉडल देखे होंगे जिसमें दो तीन चार मीडिएटर होते हैं तो ये एक इसी तरह ये दूसरा मीडिएटर फिर ये तीसरा मीडिएटर और ये चौथा मीडिएटर और फिर हम इसका डायरेक्ट रिलेशन भी देखते हैं इंडिपेंडेंट का डिपेंडेंट के ऊपर तो इस तरह से आप एक से ज्यादा मीडिएटर्स भी डाल सकते हैं तो मॉडल जब आपने बनाना होगा तो इस तरह बनाइएगा तो अक्सर मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि सर मीडिएटर का को कैसे फिट करें मॉडल के अंदर तो आप इस तरह कर सकते हैं तो ए बी सी इनको फिलहाल छोड़ दें ये बेसिकली बता रहा है कि ये हमारा पहला हाइपोथेसिस बन जाएगा ये दूसरा हाइपोथेसिस बन जाएगा ये तीसरा हाइपोथेसिस बनेगा ये चौथा बनेगा वगैरह वगैरह तो बहरहाल इसको आप इस तरह से सी लिख, लिखने की जरूरत नहीं है अब हम आते हैं कि इसको एस पी एस एस में रन कैसे हमने करना है अब ये देखें ये हमारे पास स्पेशस फाइल है आप यहाँ पे जाएंगे एनालाइज में एनालाइज में जब आएंगे तो रिग्रेशन और रिग्रेशन में यहाँ पे आ जाएंगे आप तो ये प्रोसेस v4 अच्छा ये आपके सिस्टम में अगर ये फाइल नहीं है प्रोसेस v4 फोर बाई एंड्री हेज तो आपके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ऊपर कार्ड्स में भी मिल जाएगा कि ये प्रोसेस फाइल आपने इंस्टॉल कैसे करनी ठीक है तो आप वो वीडियो भी देख लें अगर आपके स्पेसिस uh, में ये फाइल इंस्टॉल नहीं है तो इसको इंस्टॉल कैसे करना है उसमें मैंने तफसी तरीका स्टेप बाय स्टेप बता दिया ठीक है तो बहरहाल जब वो इंस्टॉल कर लेंगे तो फिर ये ऑप्शन आपका यहाँ पर आ जाएगा इसको क्लिक करेंगे तो ये विंडो खुल जाएगी अब हम यहाँ पे देखते हैं जनाब आ, क्या है हमारे पास <coughs> ये हमारे पास वेरिएबल्स हैं सारे ठीक है इसको हम रीसेट कर लेते हैं ठीक है जनाब तो ये लेट सपोज हमारा जो भी आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हम उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे देखें वाई से डी नोट करते हैं मैंने आपको बताया था सी एल लेट सपोज हमारा एक्स वेरिएबल है इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में आ जाएगा और जितने भी मीडिएटर हैं एक हैं दो हैं वो आप यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे ठीक हो गया तो आप दूसरे भी तीसरे भी है. तो आपने ये देखना है कि आपका इंडिपेंडेंट कौन सा है डिपेंडेंट कौन सा है और मीडिएटर कौन सा है अच्छा मॉडल नंबर यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फोर जैसे आपने देखा था प्रोसेस फोर फाइल थी तो ये यह आपने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है फोर और ऑप्शन में आके आपने कुछ नहीं करना सिर्फ एक यहाँ से क्लिक करना है ये थर्ड ऑप्शन शो टोटल इफेक्ट मॉडल ठीक है तो हमें ये वाले मॉडल के रिजल्ट चाहिए बाकी आप एज इट इज छोड़ दें ज्यादा चीज़ों को छेड़ने की जरूरत नहीं बाकी है बाकी इनबिल्ट है ठीक है सिलसिला और यहाँ से हम कर देते हैं इसको ओके okay. अभी आपके सामने जो है वो तीन चार टेबल्स आ जाएंगे जिसको भी हम एक्सप्लेन कर देंगे कि ये किस तरह से इसके रिजल्ट्स आते हैं मीडिएशन के अच्छा जनाब ये फाइल हमारे पास आ रही है इसको वर्ड में भी खोल लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो अच्छा ये देखें आपको नजर आ रहा है मॉडल नंबर फोर हमारा वाई यानी डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था सी एस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने लिया सी एल यानी कस्टमर लॉयलिटी और एम मीडिएटिंग वेरिएबल जो हमने लिया वो था हमारा एस क्यू सर्विस क्वालिटी तो आपके भी जो वेरिएबल्स होंगे वो यहाँ पे लिखे हुए आ जाएंगे सैम्पल साइज़ हमारा फाइव हंड्रेड था वो भी यहाँ पे लिखा हुआ आ गया अच्छा ये पहला टेबल है इसको आप देखें इसके अंदर आपके लिए क्या है सॉरी जो इम्पोर्टेंट वैल्यू है वो है ये इसको बल्कि हम वर्ड में कॉपी कर लेते हैं ताकि हमें इसको हाईलाइट करने में और જરા બડા કરકે દિખાને મે આસانی હો જાયેગી ઠીક હે યે અચ્છા જનાબ તો યે હે હમારે પાસ કો થોડા સા મઝીદ બડા કર લેતે હે તાકે આપકો સમજ આ જાય સો યે પહેલા ટેબલ હે દેખીએ 4 cs યે લખા ہوا હે આપ પહેલી વેલ્યુ જો હમને દેખની હે વો હે યે હમારી r સ્ક્વેર ઠીક હે r સ્ક્વેર તો અભી યે દેખે કેયા બતા રહા s q અમારો કેયા થા ये हमारा मीडिएटर था और ये हमारा हो गया जनाब सी एल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था तो गए अगर हम मॉडल की बात करें तो मॉडल में हम अगर इसको देखेंगे तो ये समझ लें हमारा क्या है एस क्यू है मीडिएटर था और हमारा सी एल जो है वो क्या था एक्स तो हम पहले ये रिलेशन चेक कर रहे हैं यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल मीडिएटर को कितना अफेक्ट कर रहा है तो ये मॉडल का जो रिजल्ट आया हमारे पास आया फोर पॉइंट फोर नाइन यानी तकरीबन फिफ्टी परसेंटी सिक्स परसेंट जो वेरिएशन है वो हमारे मीडिएटर में किसकी वजह से आ रही है हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से आ रही है और ये देखें पी क्या है जीरो 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 है तो हम ये कहेंगे कि ये जो है सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप है इसी तरह अगर हम पूरा मॉडल देखेंगे तो अब हमारे पास क्या है सीएस का इफेक्ट किस पे आ रहा है सी एस पे किस चीज़ का यानी कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो कि हमारा आई वी एस हमारा डी वी था डी वी ठीक है डिपेंडेंट वेरिएबल इस पे ये दोनों का यानी कस्टमर लॉयलिटी का और एस क्यू का दोनों का अलग अलग कितना इफेक्ट आ रहा है तो टोटल मॉडल का जो आर स्क्वेयर है वो आ रहा है सिक्सटी वन परसेंट लेकिन सिर्फ जब हमने सी एस का देखा सॉरी जब हमने सिर्फ अपने आई वी का आई वी का ये हमारा आई वी था और ये हमारा एम वी था आई वी का एम वी के ऊपर इतना इफेक्ट आ रहा था और अब हम देख रहे हैं कि आई वी का और एम वी का यानी मीडिएटर वेरिएबल का और आई जो है दोनों का डी वी पे कितना इफेक्ट आ रहा है ये हमारा आई वी है और ये हमारा एम वी है तो इन दोनों का मिला के जो चेंज आ रहा है डी वी के ऊपर वो आ रहा है सिक्सटी वन परसेंट सिक्सटी वन पॉइंट थ्री परसेंट और अब यहाँ पे हम देखेंगे तो देखें ये भी हमारा सिग्निफिकेंट है सी एल का यानी दोनों रिलेशनशिप हमारे सिग्निफिकेंट आ रहे हैं तो गोया हमारा आईवी जो इफेक्ट कर रहा है डीवी को वो भी सिग्निफिकेंट है और जो हमारा जो कर रहा है, वो भी है। ये इनके कोफिशियंट है uh, seven, तो इन टेबल्स में आपके लिए ये वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है ठीक है तो इंटरप्रेट कर देना इंटरप्रिटेशन की अलग से मैंने जो वीडियोस बनाई हुई है बस उनकी इंटरप्रिटेशन ऐसे ही आपने भी कर देनी है इसी तरह फिर हम देखते हैं कि जो हमारा आई है कस्टमर लॉयलिटी उसका डी वी डायरेक्ट कितना इफेक्ट आ रहा है तो वो ये हमारे पास आ जाएगा ठीक है पॉइंट सिक्स टू थ्री इतना यानी कि कस्टमर लॉयलिटी को अगर हम एक यूनिट से चेंज करें तो हमारा कस्टमर सेटिस्फेक्शन पॉइंट सिक्स टू थ्री से चेंज हो जाएगा एंड अगेन दिस पी वैल्यू इज जीरो सिग्निफिकेंट हो जाएगा ठीक है जबकि आर स्क्वेयर हमारा कितना आ रहा है पॉइंट फाइव टू फोर तो इन टेबल को आप अलग अलग से इस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं अब सबसे इंपॉर्टेंट जो है पूरे इस टेबल में ये वो हमारे पास ये तीन चीजें हैं टोटल इफेक्ट डायरेक्ट इफेक्ट और इनडायरेक्ट इफेक्ट तो टोटल इफेक्ट जो है वो हमारा कितना आ रहा है पॉइंट सिक्स टू थ्री टोटल इफेक्ट का मतलब है कि आई वी का डी वी के ऊपर और आई वी का थ्रू एम वी डी वी के ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है तो ये .2623 आ ठीक है? डायरेक्ट इफेक्ट का सिर्फ y के ऊपर कितना आ रहा है यानी का DV पे कितना effect आ रहा है .73. तो अभी देखें, ये भी है, से कम है, ये भी है, तो ये ये देखें, भी भी क्योंकि से कम ठीक है से कम है अब जो इंपॉर्टेंट सबसे वैल्यू है वो ये थी हमारा ये था mediator. अब हम ये देखना चाहते हैं जो mediator हमने था आया, वो भी सिग्निफिकेंट इफेक्ट दिखा रहा है या नहीं और अगर दिखा रहा है तो कितना दिखा रहा है तो ये है पॉइंट फाइव टू थ्री ये सबसे की वैल्यू है जो आपके मीडिएटर को इस्टेब्लिश कर रही है कि जो आपने मीडिएटर लिया था आया मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है या नहीं तो आप कहेंगे कि यस मीडिएशन एग्जिस्ट कर रही है कितनी कर रही है पॉइंट टू फाइव ठीक है तो यानी कि मीडिएटर को अगर हम चेंज करें तो आई वी ओ डी वी के रिलेशनशिप पे पॉइंट टू फाइव सेवन थ्री का फर्क आएगा

क्या मतलब जीरो नहीं आता अगर यहाँ पर ये यह माइनस होती माइनस पॉइंट वन नाइन तो इसका मतलब है फिर यहाँ दरमियान में जीरो आएगा यानी माइनस से जीरो की तरफ और जीरो से फिर प्लस की तरफ क्योंकि इन दोनों के दरमियान जीरो नहीं आ रहा तो हम ये कहते हैं ये सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है तो गोया कि जो हमने मीडिएटर लिया है इस मॉडल में एस यानी सर्विस क्वालिटी दैट सिग्निफिकेंटली मीडिएट बिटवीन अवर आई हमारा आईवी क्या था कस्टमर लॉयलिटी और डीवी कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो कस्टमर लॉयलिटी इफेक्ट करती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन को थ्रू सर्विस क्वालिटी तो जितनी अच्छी सर्विस क्वालिटी है कस्टमर लॉयल्टी से कस्टमर सर्विस क्वालिटी बेहतर होगी और सर्विस क्वालिटी से कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये बहरल हमने ऐसी एथेटिकली वेरिएबल लिए हैं तो बहरल इन वेरिएबल्स की में का मतलब ये है कि इन वेरिएबल्स में मीडिएशन एग्जिस्ट करती है तो ये इस तरह से आपने मीडिएशन का जो है वो एनालिसिस करना है और जो एक्सप्लेनेशन इंटरप्रिटेशन लिखते हैं वो लिखते कैसे हैं वो मैंने और बहुत सारी वीडियोस में लिखी है इसलिए मैंने यहाँ पे टाइम बचाने के लिए उसको लिखा नहीं है तो वो आप वरना तो जाके मेरी दूसरी वीडियोस देख लें कि जिसमें हाउ टू इंटरप्रेट द रिजल्ट इन एस्पेसिस तो वो जैसे इंटरपटेशन कोफिशेंट्स की वहाँ पर की है बिल्कुल वैसे भी यहाँ वैसे ही यहाँ पर करनी है उनमें और इसमें सिर्फ ये फ़र्क है कि ये वाला टेबल जो है वो एक्स्ट्रा तो इसमें आपने ये लिख देना है कि सिंस boot llci and boot uh, ulci uh, values there is no uh, zero in between these two values hence we can say that sq significantly affect the uh, significantly mediate between iv and DV. jo bhi aapke iv and DV ho usko yahan pe likh dein aur jo aapka mediator hai uska bhi naam aapne likh dena ha, aap hai आई होप के आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं थैंक यू वेरी मच स्टे ब्लेस्ड और खुश हैं